तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट कोर्स जो है कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मेटलर्जी चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। तो मेटलर्जी चैप्टर में सबसे पहला जो है कि हम लोग को यह जानना जरूरी होगा कि कौन से मेटल का कौन सा ओर्स है। तो पिछला वीडियो में इसको हम लोग पढ़े हुए थे, बहुत सारा मेटल के बारे में बताए थे और उनका ओर्स के बारे में लिखवाए थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि कंपाउंड लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ZnS लिखते हैं। तो ZnS क्या होता है, ZnS को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ZnS को हम लोग यह जो है कि जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं और यह जिंक का एस है। किसका एस है? जिंक का। तो ये इसको कहेंगे जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड कहेंगे, ZnSI जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड है। और इसका जो है कि यह किसका ओर्स है? तो यह जो है कि जिंक का ओर्स है। तो जिंक ब्लेड हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा कंपाउंड, इसमें हम लोग जो लिख रहे हैं वो आपको जिंक के बाद एक और जो कि कंपाउंड है कैलेमाइन हो। तो अगला कंपाउंड है कैलेमाइन। तो जिंक कार्बोनेट जो होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 को कैलेमाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैलेमाइन। तो यह कैलेमाइन किसका एस होता है? तो जिंक का एस होता है। कैलेमाइन से हम लोग जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो है कि जिंक का कुछ महत्वपूर्ण एस्क है। तो यह सब आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि कौन किसका एस्क है। तो जिंक का एक एस लिख लिया हम लोग कैलेमाइन। एक और आते हैं हम लोग आपको, अब अगला जो कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं वो कॉपर का बनाने जा रहा है। तो कॉपर को पढ़ने से पहले जो था मरकरी के पढ़ लेते हैं। तो मरकरी का मात्र एक ही इम्पोर्टेंट एस्क है HgS। HgS को सिनेबार कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। सिनेबार किसका एस्क है? सिनेबार जो कि मरकरी का एस्क है, HgS का एस्क है सिनेबार। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कॉपर में। तो कॉपर का इम्पोर्टेंट एस्क कौन कौन सा है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है क्यूपराइट, क्यूपराइट Cu2O। यह कॉपर का इम्पोर्टेंट एस्क है Cu2O, इसको कहते हैं क्यूपराइट, क्यूपराइट कहा जाता है। तो क्यूपराइट जो है किसका ओर्स है? तो यह जो कि कॉपर का एस्क है क्यूपराइट। और अगला जो कंपाउंड है क्यूपराइट के बाद हम लोग आते हैं कॉपर पाइराइट। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉपर पाइराइट का CuFeS2। यह कॉपर पाइराइट का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कॉपर पाइराइट, पाइराइट। इसको जो है कि आपके एग्जाम में दो तीन बार रिपीट कर चुका है कि कॉपर पाइराइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉपर पाइराइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CuFeS2। या कॉपर का जो कि इम्पोर्टेंट एस्क है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद कॉपर पाइराइट के बाद आते हैं कॉपर ग्लास, किसको कहते हैं? तो Cu2S कॉपर सल्फाइड को Cu2S, इसको कहते हैं कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास GLANC, कॉपर ग्लास इसका नाम है। यह भी आपको कॉपर का इम्पोर्टेंट एस्क है। यह कुछ कॉमन एस के आपको कॉपर का जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आते हैं इसमें से जो कि एक दो और कंपाउंड है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए उसको देखते हैं। लाइम स्टोन किसे कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम है लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइम स्टोन कहते हैं। यह जो की कैल्शियम का एस्क होता है। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है वह है आपको डोलोमाइट। तो डोलोमाइट यहाँ पर, तो डोलोमाइट में क्या क्या होता है? तो डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, तो उसको कहते हैं डोलोमाइट। तो डोलोमाइट में जो है कि में कैल्शियम भी पाया जाता है और
मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो डोलोमाइट का जो है कि यह कंपाउंड का फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो डोलोमाइट के बाद आते हैं, अब आप हम लोग को देखते हैं जिप्सम देखते हैं। तो जिप्सम का होता है आपको, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को जिप्सम कहते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। जिप्सम, जिप्सम जो है कि इसका यह फॉर्मूला होता है, इसमें जो है कि कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। यह सब छोटा छोटा टर्म है, इसको हम लोग को याद रखना है। अब एक दो और है आपको जो है कि जिसको हम लोग जहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसको लिखा गया है। सबसे पहला है आपको यहाँ पर देखेंगे, यह जो है कि आपको है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O। दूसरा है आपको इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। तीसरा है ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। और जो कि ग्रीन विट्रियोल में आयरन सल्फेट होता है, ग्रीन विट्रियोल में क्या होता है, आयरन सल्फेट होता है, याद रखेंगे। उसको जो है कि लिखवाया गया आपको पिछले क्लास में। यह ग्लोबर साल्ट का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। यह मैलेकाइट है, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड को मैलेकाइट कहते हैं। यह कार्बन का एस होता है। और यहाँ पर कुछ यह कंपाउंड है, इसको डबल साल्ट कहा जाता है। डबल साल्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो दो का साल्ट है, एक पोटासियम का एक अल्मोनियम का साल्ट है। यहाँ पर यह एक आयरन का साल्ट है और दूसरा जो है कि अमोनियम का साल्ट है। साथ में इन दोनों में इसमें 24H2O है, इसमें 6H2O है। तीन तरह के साल्ट को डबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो दो तत्वों के साल्ट जो है कि पाए जाते हैं। तो इसका नाम है आपको पोटासियम और इसको कहते हैं मोहर साल्ट। तो कैसे याद रखेंगे, तो पोटासियम है इसीलिए इसका नाम पड़ा पोटासियम, और आयरन है इसका मोहर बनता है इसीलिए इसका नाम है मोहर साल्ट। तो इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में यह जो है कि पूछे जाते हैं। तो यह तो कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड रहा, ओर्स रहा, जिससे कि हम लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब आइए मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग देंगे सम बेसिक टर्म रिलेटेड विथ मेटलर्जी, यानी कि धातु के निष्कर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म। तो सभी को हेडिंग देंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म या बेसिक टर्म रिलेटेड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि धातु के निष्कर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म। तो धातु के निष्कर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म कौन कौन सा है, तो उसमें सबसे पहला आते हैं हम लोग मिनरल्स। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो मिनरल्स या खनिज क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे मिनरल्स का, कि वैसा पदार्थ धरती के अंदर से खोद कर निकाला जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है, मिनरल्स या खनिज कहलाता है। फिर से हिंदी वाले विद्यार्थी डिफिनेशन लिखेंगे, कि धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है, उसे मिनरल्स या खनिज कहते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, द टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइन विच कंटेन मेटल आर कॉल्ड मिनरल्स, विच कंटेन मेटल आर कॉल्ड मिनरल्स। द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइन विच कंटेन मेटल आर कॉल्ड मिनरल्स। तो धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए धरती के अंदर से खोद कर बहुत सारा पदार्थ हम लोग निकालते हैं, जैसे धरती के अंदर से खोद कर मिट्टी भी निकालते हैं, तो मिट्टी मिनरल्स नहीं कहलाएगा। बहुत सारा उसमें कचरा भी पाया जाता है, तो वह सब मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स उसे कहते हैं जिसमें जो है कि धातु उपस्थित होता है, यानी जिस पदार्थ, जिस जो है कि खनिज धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है, उसे मिनरल्स कहते हैं। तो यह मिनरल्स का डिफिनेशन हो गया, कि धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो खनिज से प्राप्त होते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको, यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो
फ्रॉम माइन, यानी कि खनिज से प्राप्त होते हैं, खदान से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? खदान से निकलता है। तो मिनरल का डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश वाले जो भी विद्यार्थी हैं इसको लिख लेंगे। यह डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जो कि इसको लिख लेंगे। अब आते हैं मिनरल्स के बाद आता है जो कि ओर्स, किसे कहते हैं। तो आपको दूसरा नंबर में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टर्म है वह है ओर्स, यानी कि हिंदी में इसको कह सकते हैं अयस्क क्या होता है। तो हिंदी में क्या कह सकते हैं कि इसको अयस्क किसे कहते हैं। तो जो है कि इसके डिफिनेशन क्या होगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसी को अयस्क या ओर्स कहते हैं। तो अयस्क या ओर्स का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसा खनिज जिससे कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है सुविधाजनक विधि द्वारा, तो उसे हम लोग अयस्क, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क या ओर्स कहते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर ऑब्टेन इजिली एट लो कॉस्ट आर कॉल्ड ओर्स। फिर से इंग्लिश वाले मिला लेंगे डिफिनेशन को, द मिनरल्स फ्रॉम ओ मेटल आर ऑब्टेन बाई इजिली प्रोसेस एट लो कॉस्ट आर कॉल्ड ओर्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वैसा खनिज जिससे कम खर्च में धातु आसानी से सुविधाजनक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो अयस्क जो है कि क्या होता है इसको समझ लेंगे। मान लीजिए धरती के अंदर से हम लोग चार पांच प्रकार का चट्टान प्राप्त किए, यह धरती के अंदर से हम लोग यह चट्टान जो है कि हम लोग तीन चट्टान हम लोग को धरती के अंदर से मिला, तो इन सभी में मेटल है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, और इसमें भी जो है कि मेटल है, सब में मेटल है, यह मेटल सब में पाया जाता है, मेटल है, तो इन सबको हम लोग कह सकते हैं, हम लोग मिनरल्स सबको कहते हैं, सबको कह सकते हैं यह सब मिनरल्स है, क्योंकि धरती के अंदर से खोद कर इसको हम लोग निकाले हैं जिसमें जो कि धातु पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिनरल्स है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग मिनरल्स कहते हैं, यह सभी जो है कि मिनरल्स है, मिनरल्स है, तो यह सब क्या है, मिनरल्स है, क्योंकि धरती के अंदर से खोद कर इन सभी को प्राप्त किया जाता है और सभी के अंदर धातु उपस्थित है, लेकिन सभी जो है कि इन तीनों जो है कि मिनरल्स से धातु हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसमें इन तीनों में से वैसा मिनरल, वैसा खनिज जिसमें अशुद्धियां कम होती है उससे आसानी से हम लोग जो है कि धातु प्राप्त कर सकते हैं सुविधाजनक तरीका से, तो उसी को हम लोग ओर्स या एस कहेंगे। तो इन तीनों में मान लीजिए इसमें जो है कि आपको अशुद्धियां कम पाई जाती है, इसमें से आसानी से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहेंगे, ऐसे मिनरल्स को क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। तो यह देखिए मिनरल्स तीनों मिनरल्स है, क्योंकि तीनों में धातु पाए जाते हैं, लेकिन तीनों से हम लोग मेटल आसानी से कम खर्च में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इन तीनों में से इससे कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग ओर्स या एस कहते हैं। तो ओर्स का बहुत सारा एग्जांपल अभी आपको बताया गया है, जैसे कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, आपको बॉक्साइट, हेमेटाइट, यह सब क्या है, ओर्स है। तो कुछ ओर्स का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि Al2O3 × 2H2O, यह बॉक्साइट हो गया, Fe2O3 यह जो कि हेमेटाइट का आपका हो गया, तो यह सब ओर्स है। कॉपर पाइराइट, Cu Fe S2 या कॉपर पाइराइट कॉपर का स्पेस हो गया, यह अभी बहुत सारा एस आपको लिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो मिनरल्स और ओर्स में बहुत अच्छे से आप लोग जो है कि समझेंगे कि धरती के अंदर से खोद कर निकाले जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता है उसे खनिज या मिनरल्स कहते हैं, परंतु
वैसा खनिज जिससे कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी समझ जाएंगे, द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम माइन कंटेन मेटल आर कॉल्ड मिनरल, बट द टाइप्स ऑफ मिनरल हैविंग लो इम्प्यूरिटी फ्रॉम विच मेटल आर ऑब्टेन बाय लो कॉस्ट इजिली मेथड आर कॉल्ड ओर्स। तो यह ओर्स और मिनरल्स में बिल्कुल जो है कि स्पष्ट आप लोग समझ जाएंगे। एक बात और समझ जाएंगे कि जो है कि सभी ओर्स को हम लोग मिनरल कह सकते हैं, सभी ओर्स को मिनरल कह सकते हैं। ऑल ओर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड ओर्स। हिंदी में क्या कह सकते हैं, सभी अयस्क को, सभी खनिज को, सॉरी सभी खनिज को जो है कि हम लोग अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को खनिज कह सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश वाले अच्छे से इस दोनों में अंतर समझेंगे। अब आइए, इसमें कुछ बेसिक टर्म है, गैंग फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म है, अगला टर्म है आपको गैंगू या हिंदी में गैंग किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन, सिंपल सा डिफिनेशन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड गैंग, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड गैंग। यह क्या है, इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज है, यह कौन सा चीज है, तो इम्प्यूरिटीज है। अयस्क में जो धातु के साथ बहुत सारे अशुद्धियां मिले रहते हैं, जैसे मिट्टी लगे रहते हैं उसमें, आपको लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा लगा रहता है, लोहा का बुरादा सटा रहता है, उसमें सल्फर इत्यादि अशुद्धियां मिली रहती हैं, तो उन सभी अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड गैंग। तो गैंग का एग्जांपल क्या क्या है, इसका एग्जांपल है आपको यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आपको सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, तो यह सब जो है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हैं। उसके बाद मिट्टी है, आपको सॉयल हो गया, मिट्टी है, सैंड हो गया, बालू हो गया, तो यह सब जो है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां है, या फिर आयरन भी हो सकता है, आयरन, यह सब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हैं जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। दूसरा आते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, बिल्कुल आसान है, फ्लक्स जो कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। कौन क्या कहलाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द आउटर मोस्ट सब्सटेंस विच रिमूव्ड द गैंग फ्रॉम द ओर्स आर कॉल्ड फ्लक्स, द आउटर मोस्ट सब्सटेंस विच रिमूव गैंग फ्रॉम द ओर्स आर कॉल्ड स्लैग, यानी वो ऐसा बाहरी पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करने के बाद इसको एस से दूर कर देता है, उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो यह आउटर मोस्ट सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, आउटर मोस्ट सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, यानी कि यह एस में यानी ओर्स में नहीं पाया जाता है, यह बाहर से मिलाया जाता है, जैसे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक प्रकार का आपको फ्लक्स है जो एस में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। अब आते हैं स्लैग क्या होता है, तो स्लैग क्या होता है, तो स्लैग का बिल्कुल आसान डेफिनेशन है आपको, गैंग, गैंग और फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिस पदार्थ को बनाते हैं, रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग स्लैग कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा कि गैंग तथा फ्लक्स के मिलने से बना हुआ पदार्थ स्लैग कहलाता है,
इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाई गैंग एंड फ्लक्स आर कॉल्ड स्लैग, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाई गैंग एंड फ्लक्स आर कॉल्ड स्लैग। अब आइए तीनों को एक साथ समझते हैं, तीनों को यहाँ पर हम लोग एक साथ समझते हैं, तीनों को क्या पर क्या होता है। तो देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, आपको लिखते हैं, आपको आपको यहाँ पर लिखते हैं, आपको यहाँ पर गैंग, या आपको कैल्शियम ऑक्साइड एक गैंग है, इसका रिएक्शन कराते हैं फ्लक के साथ SiO2 के साथ, तो बनेगा क्या, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। तो यह हो गया आपको गैंग हो गया GANGU गैंग, यह फ्लक्स हो गया फ्लक्स, और यह बन गया आपको स्लैग बन गया, यह क्या बन गया स्लैग बन गया। तो इसको अच्छे से दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे कि गैंग और फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है स्लैग बनता है। तो एस में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग, जो एस में उपस्थित अशुद्धियां होता है उसे गैंग कहते हैं, और उसको बाहर निकालने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला पदार्थ फ्लक्स कहलाता है, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जो नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं स्लैग कहते हैं। इसको और अच्छे से आपको याद रखना है तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं, इसको समझिए। यहाँ पर जो कि समाज में उपस्थित जो अशुद्धियां होती है वह गैंग बनाकर घूमता है, कैसे घूमता है लोग गैंग बनाकर घूमता है लोग, तो समाज में उपस्थित जो भी अशुद्धियां होती है वह गैंग बनाकर घूमते हैं, और उनको पकड़ने के लिए फोर्स का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है फोर्स का उपयोग किया जाता है, F का मतलब फोर्स। तो समाज में उपस्थित अशुद्धियां गैंग बना के घूमती हैं, और उनको पकड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फोर्स उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेज देता है, कहाँ भेज देता है सलाखों को, S का मतलब सलाखों के पीछे भेज देता है। तो फिर से आपको बता रहा है, समझ जाइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समाज में उपस्थित अशुद्धियां गैंग बनाकर घूमती है, उनको पकड़ने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, और वह उनको पकड़ कर कहाँ भेज देता है सलाखों के पीछे भेज देता है। तो गैंग फ्लक्स प्लस स्लैग, यानी समाज में उपस्थित अशुद्धियां गैंग बनाकर घूमती है, उनको पकड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फोर्स उनको सलाखों के पीछे भेज देता है। तो यह तरीका आप दिमाग में बैठा लेंगे तो यह बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सा गैंग होता है, कौन फ्लक्स होता है, कौन स्लैग होता है। तो यह कुछ बेसिक टर्म था जिसको जानना जरूरी था मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ने के लिए, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आपको शुरू करते हैं कोई एक मेटलर्जी का प्रोसेस जो है कि या धातु का निष्कर्षण कितना स्टेप में होता है, आइए इसको हम लोग अब समझते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है मेटलर्जी या धातु कर्म। तो मेटलर्जी या धातु कर्म किसे कहते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर कॉल्ड मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर कॉल्ड मेटलर्जी। हिंदी में क्या कह सकते हैं कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। तो यह जो कि कितना प्रकार का होता है, कौन कौन से स्टेप में इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो मेटलर्जी का डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यह जो कि तीन स्टेप में संपन्न होता है, यानी शुद्ध जो कि धातु अयस्क से मुख्य रूप से तीन चरणों में प्राप्त होता है। तो जो कि लिख सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप, या इसे तीन चरणों में बांटा गया है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में कौन कौन सा स्टेप आता है, तो इट इज कंप्लीटेड इनटू थ्री स्टेप, इट इज कंप्लीटेड इनटू थ्री स्टेप। तो यह मुख्य रूप से तीन चरणों में संपन्न होता है। तो कौन कौन होता है, तो आते हैं सबसे पहला लिखते हैं स्टेप फर्स्ट,
तो स्टेप फर्स्ट का नाम है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन TRATION कंसंट्रेशन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, यानी कोई भी धातु प्राप्त करना है उसके अयस्क से या ओर से तो सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा। अब एक एक करके सबको हम लोग आगे डील करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप है। अब स्टेप सेकंड का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, इसमें आपको कई स्टेप हो सकते हैं, जैसे कैल्सीनेशन, कैल्सीनेशन हो सकता है, या उसके बाद आपको कैल्सीनेशन, या आपको इसमें दूसरा आता है रोस्टिंग, कैल्सीनेशन के बाद कौन सा आता है रोस्टिंग ROSTING रोस्टिंग भी होता है, कैल्सीनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, उसके बाद एक तीसरा स्टेप होता है इसमें स्मेल्टिंग। यह तीनों तीसरा स्टेप में जो कि छोटे छोटे तीन स्टेप होते हैं, सॉरी दूसरा स्टेप में छोटा छोटा तीन स्टेप होता है, जैसे कैल्सीनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। तो यह इन तीनों में से जो कि किसी एक का ही उपयोग करके हम लोग दूसरा स्टेप से जा सकते हैं, या फिर किसी किसी धातु के निष्कर्षण में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में तीनों का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसको आगे पढ़ेंगे कहाँ पर कौन सा उपयोग होगा। पहला जो बेसिक टर्म है, जो जो यूज होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब आते हैं आपको स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में जब इन सारे प्रोसेस से मेटल गुजर जाता है तो उसका होता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण। तो कोई भी धातु हो जिसको जो कि अयस्क से हम लोग शुद्ध धातु जब प्राप्त करते हैं तो उनको मुख्य रूप से इन तीनों स्टेप से गुजारा जाता है। तो चाहे आपसे जो है कि अल्मीनियम का निष्कर्षण हो, चाहे आयरन का हो, या फिर आपको जिंक का हो, तो या कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ दे, या निकेल का हो, कॉपर का हो, कोई भी पूछ दे, तो सब में इन तीन स्टेप का उपयोग आपको करना है। तो किसी के भी स्टेप में अगर क्वेश्चन पूछे तो यह मुख्य रूप से तीन स्टेप में संपन्न होता है। और उनमें यह तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो पहला कंसंट्रेशन, स्टेप सेकंड में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। इसको हिंदी में कहते हैं सांद्रण, इसको कहते हैं आपको रोस्टिंग को जो कहते हैं भर्जन कहते हैं, आई स्मेल्टिंग को कहते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग को क्या कहते हैं प्रगलन कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में निस्तापन कहते हैं। तो यह जो है कि आपको कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या स्मेल्टिंग में कभी कभी आपके एग्जाम में जो भी इसमें से जो कि दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन, इसको हम लोग भर्जन या जारण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं प्रगलन कहते हैं। और तीसरा स्टेप है प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण। तो कोई भी धातु हो जिसका यदि निष्कर्षण करना है तो सबसे पहले उसका मुख्य रूप से दो एस्क लिख देंगे हेडिंग में, और उसके बाद लिखेंगे कि इससे एस्क से धातु का शुद्धिकरण निम्नलिखित तीन चरणों में होता है, और उसके बाद आगे इसको हम लोग डील करेंगे। तो यह अगर आप याद रखते हैं तो कोई भी धातु हो उस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, किस तरह से निष्कर्षण होगा, और एक एक स्टेप को कैसे हम लोग समझेंगे, वो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा एक एक स्टेप, और एक जो है कि उसमें निष्कर्षण बता के आपको देंगे जो है कि जो एग्जाम में आने वाला है, और वह नहीं आया तो उसके आधार पर बाकी सब जो है कि इन्हीं के आधार पर बाकी सब को हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि किसी का भी निष्कर्षण, किसी से भी किसी भी ऐसे धातु का हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त मुख्य रूप से इन्हीं चरणों में, तीन चरणों में हम लोग करते हैं। इसको आप देखिए कि पिछला साल कौन से धातु का पूछा हुआ है, तो उसको छोड़ के अगला साल इस साल जो कि नया धातु का आपको बताएंगे, तो वह कल आपको बताएंगे एक एक करके सब, आपको इसमें से सभी स्टेप को डील करेंगे और एक निष्कर्षण बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जहाँ डाउट हो उसे हमसे फिर आप लोग पूछ लेंगे।